हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आज हमने इस वीडियो में आपको टाटा स्टील का पूरा डिटेल एनालिसिस बताने वाला हूं। हम आपको लॉन्ग टर्म और इंट्राडे दोनों ट्रेड बताएंगे, तो चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम, और वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अपना वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर हम अप्रॉक्स इस लेवल से बात की जाए फरवरी 2012 से, तो आप ये देखिए प्राइज कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में था। आप देख सकते हैं प्राइज कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में था। अप्रॉक्स एक ही ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके प्राइज गिर रहा था, आप देख सकते हैं। और ये गाइज, ये जो लेवल है ना, ये कोरोना काल का लेवल है आपने, और कोरोना काल का लेवल है गाइज। और ये देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके प्राइस गिर रहा था, बार बार उसी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके गिर रहा था। फिर इसके बाद यहाँ भी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके गिरा, और जैसे ही ये लेवल को ब्रेकआउट मिला ट्रेंड लाइन प्लस लेवल, मार्केट फिर अच्छा खासा आप गए, पीछे मुड़ के देखा नहीं। क्लियर हो गाइज? देखो यहाँ प्राइस कुछ ना कुछ तो गिरना ही था, लेकिन कोरोना काल के कारण ज्यादा प्राइस गिर गया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्राइस पे, अपने करंट लेवल पे, और करंट लेवल पे देखते हैं कि भी मार्केट में क्या चल रहा है। देखो भाई, डे वन टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है, जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ, लेकिन अभी हम थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम में आए तो समझ लेते हैं। देखो गाइज, डाउन साइड की बात किया गाइज, मार्केट कंटिन्यू बुलिश था। डाउन साइड की बात की जाए तो अप्रॉक्स इस लेवल पे सपोर्ट मिल रहा है, ये लेवल आप देख सकते हैं। प्राइस जब यहाँ से अब गया था, इसी लेवल का सपोर्ट लेके प्राइस अब गया, फिर जब प्राइस यहाँ से कंटिन्यू गिरा, तो आप देख सकते हैं कंटिन्यू इसी लेवल का सपोर्ट ले रहा था कंटिन्यू। अप्रॉक्स 15 नवंबर से लेके गाइज 21 फरवरी तक इसी लेवल का सपोर्ट लिया गाइज, फिर इसके बाद प्राइस अब जाता गया। लेकिन इससे पहले एक चीज और देखो, टाटा स्टील गाइज एक ट्रेंड लाइन के सहारे प्राइस कंटिन्यू अब जा रहा है, देख सकते हैं। प्राइस अपसाइड इसी लेवल का रेजिस्टेंस लिया, गिरा, रेजिस्टेंस लिया, गिरा, रेजिस्टेंस लिया, गिरा, रेजिस्टेंस लिया, और इसी रेजिस्टेंस के सहारे प्राइस कंटिन्यू अब जा रहा है। क्लियर हुआ गाइज? ये था अपना वीकली टाइम फ्रेम। अब हम चलते हैं डे वन टाइम फ्रेम, लेकिन गाइज थोड़ा डे वन टाइम फ्रेम में चलने से पहले एक चीज आप देख समझ लो। आप ये देखो, अभी प्राइस इस लेवल पे करंट लेवल पे चल रहा है, और ये अपना इंपॉर्टेंट 315-314 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का की तरह बिहेव कर रहा है। अप्रॉक्स 3 वीक से 21 मार्च से इसी लेवल का सपोर्ट लेके प्राइस कंटिन्यू अब जा रहा है, गिर रहा है, अब जा रहा है, गिर रहा है, अब जा रहा है। लेकिन गाइज अपसाइड की बात की जाए, गाइज अगर अपसाइड की बात की जाए, तो अपसाइड आप ये देखो, थोड़ा सा जो लेवल अभी चल रहा है, हम इस लेवल को, ये लेवल देखिए, जो अभी लेवल चल रहा है गाइज, ये जो अभी आप अभी का हाई बना है, इस लेवल पे ड्रा किए गाइज, तो ये बेहतरीन रेजिस्टेंस का काम कर रहा है गाइज। आप देखो ये क्यों रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, प्राइस जब इस लेवल से अब गया था, अगर आप देखेंगे प्राइस जब इस लेवल से अब गया था, इसी लेवल का सपोर्ट लेके थोड़ा सा अब गया था, फिर इसी लेवल का यहाँ आया सपोर्ट लिया, और जैसे ही ब्रेक मिला तो प्राइस नीचे आया, फिर अब गया, प्राइस इसी लेवल का रेजिस्टेंस लिया, फिर गिरा, फिर रेजिस्टेंस लिया, अप साइड जाके इसी लेवल का, फिर प्राइस कंटिन्यू फॉल कर गया। लेकिन आप देख सकते हैं अब इसी लेवल का फिर से रेजिस्टेंस ले रहा है। क्लियर हो गाइज? अब हम चलते हैं डे वन टाइम फ्रेम, और डे वन टाइम फ्रेम में देखते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से कि अभी हमारा क्या व्यू है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। देखो गाइज, ये है डे वन टाइम फ्रेम का चार्ट। डे वन टाइम फ्रेम में गाइज, जैसा कि आपको बताया था, बहुत बेहतरीन पैटर्न बन रहा है। अगर हम थोड़ा सा डाउन साइड की बात की जाए गाइज, तो यहाँ एक हम सपोर्ट लेवल ड्रा कर देते हैं डाउन साइड की बात, डाउन साइड, और ये देखिए कितना बेहतरीन यहाँ काम किया था, और इस लेवल पे कितना बेहतरीन 1, 2, 3 और 4 बार इस लेवल पे सपोर्ट लेके प्राइस अब गया। लेकिन गाइज थोड़ा सा ये समझो, प्राइस एक ट्रेंड लाइन के सहारे कंटिन्यू अब जा ही रहा है, ठीक है, कंटिन्यू अब जा ही रहा। इसके साथ साथ गाइज आप यहाँ एक पैटर्न बना है, आप स्टोरी पे जाना शॉर्ट वीडियो में मेरे, और जो मैं कल टाटा स्टील का शॉर्ट वीडियो डाला था नाइट में, आप वो शॉर्ट वीडियो देखना, मैं इस पैटर्न के बारे में बताया था गाइज। तो चलिए यहाँ भी बात कर लेते हैं, ये जो पैटर्न है आपके पास प्रूफ है गाइज, वो मेरा शॉर्ट वीडियो कि मैं पैटर्न के बारे में बताया था। देखो अब आप ये देखो, प्राइस इस लेवल से कंटिन्यू अब जा रहा है, आप देखेंगे प्राइस यहाँ कंटिन्यू अब जा रहा है, और थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। और डाउन साइड की बात की जाए गाइज, तो आप ये देखो यहाँ से प्राइस कंटिन्यू अब जा रहा था, ये देखो गाइज प्राइस कंटिन्यू अब जा रहा था। देखो प्राइस जब यहाँ से अब गया, इस लेवल का रेजिस्टेंस लिया, गिरा, रेजिस्टेंस लिया, फिर गिरा, रेजिस्टेंस लिया, गिरा, एक अपने को, अब ये बताओ पहले कमेंट में बताओ ये कौन सा पैटर्न है, कमेंट करके बताओ कौन सा पैटर्न है। ये गाइज वेज पैटर्न है। कौन सा पैटर्न है? वेज पैटर्न। आइए मैं पहले चार्ट में समझते हैं कि ये पैटर्न काम कैसे करता है। देखो गाइज, ये है रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। क्या है ये? रिवर्सल चार्ट पैटर्न। क्लियर हुआ? और रिवर्सल चार्ट पैटर्न में गाइज आप देख सकते हैं ये है राइजिंग वेज पैटर्न है। ये कौन सा पैटर्न है? राइजिंग वेज पैटर्न। प्राइस यहाँ से कंटिन्यू अब गया, प्राइस कंटिन्यू सस्टेन किया थोड़ा थोड़ा करके ऊपर साइड, और फिर प्राइस डाउन साइड ब्रेकआउट किया। अगर चार्ट की चार्ट में देखा जाए तो प्राइस इस प्रकार का चार्ट बनाया, देख सकते हैं, और टाटा स्टील में भी सेम यही चार्ट बना, देख सकते हैं। और फिर जैसे ही ये लेवल को ब्रेक मिला अपना, तो ये खास अच्छा खासा डाउन साइड आया, देख सकते हैं। ये है राइजिंग वेज पैटर्न। क्लियर हो इतना? अब हम आते हैं अपने चार्ट पे। अब देखो, अब जैसे ही अपना ये लेवल ब्रेक दिया, कौन सा लेवल? 1345 का लेवल। 1345 का लेवल जैसे ही अपना ये लेवल ब्रेक दिया,
तो अपने को एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला, जो कि मैं आपको डे वन टाइम फ्रेम में दिखाया, एच वन टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ किस प्रकार से अपने को। ये देखो गाइस, जैसे ही ये 1 घंटे की कैंडल है गाइस, अगर आप इस कैंडल को देखोगे, ये 1 घंटे की कैंडल है, ये बड़ी वाली कैंडल। और जैसे ही अपना ये लेवल 13.48 का लेवल ब्रेक मिला, तो अच्छा खासा डाउन साइड देखने को मिला और इस लेवल तक का सपोर्ट लिया गाइस, यहीं आके सपोर्ट लिया। क्लियर हो गाइस, वेज पैटर्न कितना बेहतरीन काम किया। ये देखो प्राइस कंटिन्यू डाउन साइड से अब जा रहा था और अप साइड से भी कंटिन्यू अब जा रहा था, रिवर्सल वेज पैटर्न बना और फिर कंटिन्यू फॉल कर गया। क्लियर हुआ इतना। अब मैं इन सब लेवलों को हटाता हूँ और थोड़ा सा फिर से डे वन टाइम फ्रेम में देखते हैं कि लॉन्ग टर्म का व्यू क्या है। अभी गाइज लॉन्ग टर्म का व्यू ये है मेरा, जो मैं अपना सोचता हूँ, अगर ये लेवल जो ये लेवल ब्रेक करेगा, ये लेवल अगर ब्रेक करेगा गाइज एक बार डाउन साइड, तो अपने को एक बार फिर से ये लेवल देखने को मिलेगा। अगर गाइज 1300 का लेवल, 1300 का लेवल अगर डाउन साइड ब्रेक देता है, तो एक बार अपने को 1250 का लेवल फिर से देखने को मिल सकता है टाटा स्टील। क्लियर हो इतना। और 1200 और गाइज सॉरी 1300 का लेवल अगर ब्रेक मिलेगा गाइज, तो अपना 1240 का लेवल, 1240 का लेवल फिर से देखने को मिल सकता है। और 1240 का लेवल अगर ब्रेक मिलेगा डाउन साइड, ये लेवल भी ब्रेक देगा, तो एक बार अपने को फिर से ये लेवल देखने को मिल सकता है टाटा स्टील में। क्लियर हो इतना। अब हम बात कर लेते हैं गाइज इंट्राडे की, अगर आए हैं तो इंट्राडे के लिए बात करेंगे। कल एक्सपायरी है, जैसा कि आप बता देता हूँ कल एक्सपायरी है, और गाइज कल एक्सपायरी वेडनेसडे है, तो भी एक्सपायरी इसलिए है कि गुरुवार को, थर्सडे को एक्सपायरी होती थी, तो थर्सडे को छुट्टी है, तो जब जब थर्सडे को छुट्टी होती है, तो एक्सपायरी एक दिन पहले शिफ्ट हो जाती है गाइज। थर्सडे की जगह वेडनेसडे को एक्सपायरी आ गई है, तो कल एक्सपायरी है, जिन लोगों को नहीं मालूम होगा तो उनको भी मालूम चल गया होगा एक्सपायरी कब कल है, तो अच्छे से ट्रेड करिएगा। अब हम चलते हैं डे वन टाइम फ्रेम में, एच वन टाइम फ्रेम में, और एच वन टाइम फ्रेम में देखते हैं कि भी मार्केट में क्या चल रहा है इंट्राडे के हिसाब से। देखो गाइस ये है अपना डे वन टाइम फ्रेम का चार्ट। अगर डे वन टाइम फ्रेम के चार्ट में अगर हम कुछ प्राइजेक्शन लगा लेते हैं गाइस, एक अपना ये लेवल है अपना प्राइजेक्शन के हिसाब से डाउन साइड के लिए इंपॉर्टेंट लेवल एच वन टाइम फ्रेम में, और एक अपना इंपॉर्टेंट लेवल ये रहेगा गाइज, ये इंपॉर्टेंट लेवल डाउन साइड के लिए जोन हो जाएगा गाइज, अगर आप देख सकते हैं ये जोन हो जाएगा। और अप साइड एक लेवल रख लेते हैं, जो ये जहाँ आज कैंडल क्लोज हुई है इस लेवल पे, ये है अपना एच वन टाइम फ्रेम के हिसाब से, प्राइजेक्शन के हिसाब से कल के लिए एच वन टाइम फ्रेम में चार्ट। और डाउन साइड का लेवल देख लेते हैं गाइज कल के लिए, एक अपना लेवल डाउन साइड ये लेवल हो जाएगा डाउन साइड ये लेवल, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से बता ही दिए हैं कि टारगेट क्या हो सकता है। अब हम आते हैं डायरेक्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम में, और 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं कि भी मार्केट में क्या कर सकते हैं। देखो गाइज सीधी सी बात, हम अपसाइड की बात की जाए अगर, तो अगर 15 मिनट की कैंडल में अगर गैप अप होकर ब्रेकआउट करके नीचे गिरने लगे, तो वो मत ब्रेकआउट समझना। अगर 15 मिनट की कैंडल में प्राइज रुक के 13.25 का लेवल, 13.26 का लेवल अपसाइड ब्रेकआउट देता है, 13.26 का लेवल अगर अपसाइड ब्रेकआउट देता है, तो अपना टारगेट रहेगा गाइज अपसाइड के लिए, पहला टारगेट रहेगा ये टारगेट लेवल, क्या 13.45 का लेवल। अगर 13.26 का लेवल अपसाइड ब्रेकआउट देता है, तो अपसाइड के लिए पहला टारगेट रहेगा 13.45 का, और 13.45 भी ब्रेकआउट होता है, तो अपना सेकंड टारगेट होगा 13.60 का लेवल टाटा स्टील का कल के लिए गाइज। क्लियर हो इतना। और डाउन साइड की बात की जाए, तो डाउन साइड गाइज दो लेवल बताने वाला हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ये देखो अगर अपसाइड की गाइज बात की जाए, तो एक अपना इंपॉर्टेंट लेवल ये है 13.15 का लेवल। अगर 13.15 का लेवल डाउन साइड ब्रेकआउट होता है, तो अपना पहला टारगेट रहेगा गाइज 1300 का लेवल, ये जो अपना लेवल लो बना है आज का, ये टारगेट 1300 का लेवल। और गाइज अगर 1295 का लेवल डाउन साइड ब्रेकआउट दे देगा, क्या 1295 का लेवल ब्रेकआउट देगा, तो अपन एग्रेसिव होके 1275 के लेवल तक देखेंगे। अगर 1295 का लेवल डाउन साइड ब्रेकआउट होता है, तो अपन एग्रेसिव के साथ ट्रेड करेंगे और 1275 तक का टारगेट देखेंगे। ये दो टारगेट हो गए। अगर गाइज स्टॉप लॉस की बात किया, ये 13.15 के लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा, तो अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा 13.25 का, और टारगेट हो जाएगा 1300 का लेवल, ₹15 का टारगेट, ₹10 का स्टॉप लॉस डाउन साइड के लिए। अब बताओ गाइज वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।